और अब खबर है राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बैठक में अलग अलग मोर्चों से रिपोर्ट मिली है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है जिसमें अलग अलग मोर्चों से रिपोर्ट ली गई है। रिपोर्ट और संगठन के फीडबैक पर चर्चा की जा रही है। एल्डरमैन की नियुक्ति और कुछ बदलाव पर भी बात हो रही है। बीजेपी पार्टी अब फाइनल तैयारी में जुटी है। सामंजस्य समन्वय घर बैठे नेताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है जिसमें अब तमाम चर्चाएं की जा रही हैं। पार्टी में सामंजस्य समन्वय और घर बैठे नेताओं को सक्रिय करने पर जोर देने की तैयारी है। तो फाइनल तैयारी में जुटी है बीजेपी। चुनाव के पहले पूरी तरह से सक्रिय है और इसी कड़ी में कोर ग्रुप की बैठक जिसमें एल्डरमैन की नियुक्ति और कुछ बदलाव पर भी चर्चा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कोर ग्रुप की बैठक जारी है, कई विषय हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लंबे अरसे के बाद काफी चहल पहल। आप देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता और तमाम लोग, वरिष्ठ नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, सब यहां पहुंचे हुए हैं। और कोर ग्रुप की जहां तक बैठक है तो 17 जो बड़े मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के जो कोर ग्रुप में शामिल है वो बैठक में है। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज अलग अलग जिलों की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन सभी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर लीडर जो हमने देखा कि संभाग के अलग अलग दौरों पर गए, चाहे उन्होंने महाकौशल की बात की है या फिर बिंध भी वो गए हैं, उसके बाद मालवा निमाड़ में तो वो लगातार बने ही रहते हैं, चंबल ग्वालियर भी गए, तो ये तमाम तरह की जो रिपोर्ट सामने आई उस पर चर्चा चल रही। रिपोर्ट के बाद कुछ एल्डरमैनों की नियुक्ति होना है जो लंबे अरसे से पद खाली पड़े हैं उन पर भी, कर्मचारियों के हित को लेकर संगठन के स्तर पर जो बातें सामने आई है उसको सरकार के साथ, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कोर ग्रुप की बैठक में है, तो फिर सत्ता और संगठन के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इन सब तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा चल रही है। लेकिन आज की बैठक के बाद एक तरह से कहा जाए प्लान को फाइनल रूप में दिए जाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि समय अब कम रह गया है और कर्नाटक चुनाव के बाद और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी। लेकिन जो फीडबैक आए हैं वो कहीं कुछ जगह चिंता भी बढ़ा रहे हैं और फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी भी है। जी बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि चिंता तो बढ़ा रहे हैं फीडबैक, लेकिन इसके आधार पर अब पार्टी और आगे बढ़ेगी और ये तमाम रणनीति जो बनाई जा रही है इस पर चर्चा कर आगे का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।